हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ एक मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा लालीगा लीग का एससीवी वर्सेस एथलेटिक बिलबाओ के बीच 1:34 के बाद। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी गाइस मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डोंट वेस्ट टाइम, फटाफट आओ भाई, लिंक पर क्लिक करो एंड ज्वाइन हो जाओ। कई बार लोगों का लिंक वर्क नहीं करता, जिस कारण मैं आपको ग्रुप का नेम दिखा दिया है। सो मेरे नाम के काफ़ी फेक ग्रुप्स खुल रहे हैं टेलीग्राम पे, सो बी अवेयर फ्रॉम देम। तो चलते दोस्तों आगे, बात करूं मैं इस मैच की तो एससीबी वर्सेस एथलेटिक बिलबाओ टॉप का मैच, मतलब मज़ा आने वाला है इस मैच के अंदर। बात करूंगा गोलकीपर की, यहाँ से लूंगा फर्स्ट प्लेयर जिसका नाम है यासिन बुनाओ। इन दोनों टीम्स के बीच मतलब अगर देखा जाए तो मतलब शुरू से दोनों का जो मुकाबला होता है वो लगभग एक जैसा रहता है। मतलब दोनों टीम्स का पल्ला एक दूसरे पे भारी है। ना मैं एक टीम को कमज़ोर बोलूँगा, ना मैं एससीबी को, ना एटीएच को, इसलिए गोलकीपर चुनना यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, जो कि है भाई बुनाओ। आगे से बात करूँ मैं डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा अनदर वन प्लेयर जिसका नाम है जूल्स कोंडे। जूल्स कोंडे ने प्रीवियस मैच के अंदर इतनी बढ़ोतरी की, कहाँ ये प्लेयर 8.5 क्रेडिट का हुआ करता था शुरू में, तो 8 क्रेडिट का, मतलब 6 महीने के अंदर आज ये बंदा 9.5 क्रेडिट का हम अपनी टीम में ले रहे हैं। देखो, क्रेडिट इशू नहीं है, मैं क्रेडिट की बात नहीं कर, लेकिन ये होता है परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी आना। जे नेवस की बात करूं तो नेवस भाई बहुत इकलौता जबरदस्त प्लेयर है। जो बंदा एटीएल के सामने असिस्ट कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है मेरी नज़र में। अगर आप एक डिफेंडर होकर एक डिफेंडर वाला काम बखूबी अच्छा कर रहे हो तो उसमें भाई कोई बुराई नहीं है। और आगे से बात करूं आई मार्टिनेस की, यहां से इंगियो मार्टिनेस आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा एटीएल को गोल मार सकता है उसने असिस्ट की थी, और ये एटीएच टीम का एक डिफेंडर जिसने गोल किया था। मतलब नॉर्मली भाई डिफेंडिंग बहुत तगड़ी है दोनों टीम की, इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करना किसी टीम को। यू नूनेस की बात करूँ तो नूनेस को मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि डबल कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूँ। अगर मैं एससीवी के ज़्यादा डिफेंडर बढ़ाता हूँ तो टीम मुश्किल में आ जाएगी। तो आगे से बात करूँ गाइज मैं यहाँ पे मिडफील्डर की, तो यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर का नाम है एलेक्स बरेंगुअर। बरेंगुअर में वो दम नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको अपना वाइस कैप्टन क्यों चुना, अभी आगे चल के पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना गाइस। आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर किसका नाम है इवान रैकिटिक। इवान रैकिटिक ने गोल किया पिछले मैच के अंदर अनएक्सपेक्टेड, गोल की उम्मीद एक पैसे की नहीं थी, मैं फिर भी बता रहा हूं आपने, इसने गोल किया, और इसने एक गोल किया था 27 सितंबर के सीडीजेड मैच के खिलाफ। तो आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की जिसका नाम है अलेजेंड्रो गोमेज। भाई मैं गोमेज की वेट कर रहा था कि ये कब प्लेइंग में आएगा, सिलेक्शन इतनी गम है, लुप्त उठा लो आज के मैच के अंदर। आज आप इस बंदे की टॉप से टॉप असिस्ट देखोगे अगर गोल हुआ तो, मतलब असिस्ट तो बंदा कर देगा, गोल करना प्लेयर के हाथ में है। तो अलेक्जेंड्रो को मत छोड़ना, बहुत मस्त पिक बोल रहा हूँ मैं। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की जे मार्शिलो। मार्शिलो टॉप का असिस्टर है, काफ़ी लोग इसको एज अ असिस्टर लेते हैं, लेकिन अगर गोल कर दे तो बात ही अलग है। लेकिन हर रोज़ कोई भी प्लेयर ऐसे गोल्स नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक मिडफील्डर है, मौका मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो भाई सब चीज हो जाएगा। और आगे से बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की वाई एन नेसरी। नेसरी ने लास्ट 2 मैचेस नहीं खेले थे बड़े बड़ी टीम्स के खिलाफ, पता नहीं क्यों बेचारा नहीं खेल रहा। एक्चुअली अगर ये वापसी करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि एससीबी के 3 स्ट्राइकर टॉप के हैं, आई थिंक 4 ही हैं, एक नेसरी, एक सूसो, एक है गाइस इसका एल ओकम्पास, और एक प्लेयर है एल डी जोंग। मतलब क्या है यार इन लोगों ने क्या कर रखा है, मतलब एक एक टीम से जब 4-4, 5-5 स्ट्राइकर खेलेंगे आप किसको चुनोगे। अगर नेसरी नहीं खेला तो मेरा सबसे अगला सवाल है एल ओकम्पास। मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, अगर नेसरी ना खेला देन वी टेक एल ओकम्पास इन आवर टीम, बट अभी के लिए नेसरी के साथ जाओ। और ग्रेशिया की बात करूँ, ग्रेशिया टॉप का पेनल्टी टेकर है, पिछले मैच के अंदर भी गोल कर गया, लेकिन इसने गलत किया, ये एज अ सब्स्टिट्यूशन इन्होंने भेजा था। मतलब बड़े बड़े प्लेयर को ऐसे सब्स्टिट्यूट रखते हैं ना, बहुत चलाक होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। लालीगा लीग वाले बहुत ही माइंडेड गेम खेलते हैं, लेकिन वो माइंडेड खेलते हैं हमारे लिए मुश्किल है, जिस कारण हम सब्स्टिट्यूशन को अपनी टीम में नहीं ले सकते। सो ये बात अलग है, खेलेगा तो लेंगे, लाइनअप में नहीं होगा देन वी ड्रॉप। आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन तो आपको पता ही है वाई नेसरी को रखूंगा अगर खेला तो। वाइस कैप्टन अभी मैंने एलेक्स बरेंगुअर को रखा है, उतना खास प्लेयर ये है नहीं कि मैं इसको वाइस कैप्टन का दर्जा दूं, बट अभी के लिए आप सेव एंड वेट करो, इसको वाइस कैप्टन फाइनल नहीं करना आप लोगों ने, इतना बेस्ट नहीं है कि आपके वीसी पॉइंट्स दे सके। गोल कह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन देखते हैं क्या करना है गाइस। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।